गुड आफ्टरनून एवरीवन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फटाफट कनेक्ट हो जाओ भाई फटाफट आ जाओ गुड आफ्टरनून आ जाओ भाई जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाओ आज थोड़ा आपके सेशन का टाइम चेंज हो गया यस गुड आफ्टरनून मदन तो जल्दी से एक बार सभी लोग कनेक्ट हो जाओ अपने फ्रेंड्स को बुला लो भाई जिनको टाइमिंग का नहीं पता है एक बार उनको जल्दी जल्दी से बुला लो उसके बाद हम अपने आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से सभी लोग कनेक्ट हो जाओ यस गुड आफ्टरनून मुकेश आशीष अच्छा ये बताओ लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन किस किस ने किया किसी ने नहीं किया सिर्फ एक ने ट्राई किया था यस महफूजा ये सेकंड लेक्चर है सेकंड लेक्चर है, है तो जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाओ सेशन को शेयर कर दो सेशन को शेयर कर दो जितने भी नए लोग हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बाद हम अपने क्वेश्चन करते हैं आगे यस गुड आफ्टरनून अशोक अदिति सेकंड ऑर्डर अच्छा किया तुमने लेकिन किसी ने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई तो किया नहीं सिर्फ एक को छोड़ के सिर्फ विशाल ने रिप्लाई किया था तुम्हें क्या लगता है मैं देखती नहीं हूँ हो गया है लेकिन सेकंड तो इसका आंसर होगा ही नहीं बताओ भाई तो ठीक है जिसने किया है जिसने नहीं किया है जल्दी से एक बार मुझे बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नहीं तो फिर मैं कराती हूँ मैं एक बार ये भी देख लो सेकंड ऑर्डर में हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है सेकंड ऑर्डर कैसे निकाला है आपने चलो मैं बताती हूँ देखो अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए कि तुम्हें किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करना है यस सदिति बिल्कुल सही है कि तुम्हें किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करना है ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले ये देख लो कि जो हाफ लाइफ है उसने क्या दे रखा है इनिशियली प्रेशर है तुम्हारा इनिशियली प्रेशर है 55.5 किलो पास्कल और उस टाइम पे इसकी हाफ लाइफ है 340 सेकंड 340 सेकंड जब प्रेशर चेंज हो गया नहीं नहीं होगी प्रॉब्लम आ जाएगा समझ में ठीक है ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा समझ में उसके बाद उसने बोला है कि जब प्रेशर कितना है ट्वेंटी एट पॉइंट नाइन किलो पास्कल तो उस टाइम पे जो हाफ लाइफ है वो कितनी है वन सेवेंटी एट सेकेंड तो अब तुम एक बात सोचो कि जो प्रेशर चेंज हो रहा है चाहे वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है प्रेशर के चेंज होने से हाफ लाइफ भी चेंज हो रही है मतलब जो हाफ लाइफ है वो प्रेशर पे डिपेंड कर रही है वो प्रेशर पे डिपेंड कर रही है और जब वो प्रेशर पे डिपेंड कर रही है इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता ऑर्डर फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कभी भी तुम्हारी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगी इसका मतलब क्या हुआ रिएक्शन या तो क्या होगी जीरो ऑर्डर होगी या वन से ग्रेटर होगी लेकिन यहां पे देखो जैसे ही प्रेशर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है हाफ लाइफ भी डिक्रीज हो रही है प्रेशर के डिक्रीज होने से हाफ लाइफ भी डिक्रीज हो रही है मतलब हाफ लाइफ और प्रेशर में क्या है डायरेक्ट रिलेशन है हाफ लाइफ और प्रेशर में क्या है डायरेक्ट रिलेशन है और ये किसके केस में होता है जीरो ऑर्डर के केस में किसके केस में होता है ये सॉरी <coughs> ये किसके केस में होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में ठीक है तो पहली बात तुम यहीं से फाइंड आउट कर सकते हो कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है अगर तुम्हें यहां से नहीं करना तो देख लो पहले टी हाफ का रेशियो देख लो जो हाफ लाइफ है उसका रेशियो देख लो और दोनों के प्रेशर का रेशियो देख लो अगर दोनों बराबर आ गए मतलब ये क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होगी तो देखो दोनों के टी हाफ का रेशियो कितना आ जाएगा थ्री फोर्टी बाई वन सेवन एट ये आएगा तुम्हारा एप्रोक्स इक्वल तू 1.91 जब तुम प्रेशर का रेशियो देखोगे 55.5 किलो पास्कल डिवाइड बाय 28.9 किलो पास्कल ये तुम्हारा आएगा एप्रोक्स 1.92 तो दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है मतलब जो हाफ लाइफ है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जैसे जैसे प्रेशर में चेंज होगा वैसे ही ओके भाई सॉरी तो देखो यहाँ पे पता चल गया हमें कि जो हाफ लाइफ है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है हाँ फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट हो जाएगा तुम्हें देखा भी होगा तुमने अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कभी भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है ठीक है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी तो यहाँ पे जैसे जैसे प्रेशर में चेंज आ रहा है वैसे ही हाफ लाइफ में चेंज आ रहा है प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो प्रेशर इंक्रीज होगा तो हाफ लाइफ भी इंक्रीज हो रही है प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो हाफ लाइफ भी डिक्रीज हो रही है मतलब ये क्या है तुम्हारी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये तुम्हारी क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा जीरो ठीक है तो जो तुम लोग सेकंड ऑर्डर है वो बोल रहे थे जल्दी से मुझे बता दो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या फिर मैं आगे करवाती हूं तुम्हें हाँ, मदन मिल जाएगी इसकी पी जब तुम कैम अकेडमी की ऐप ओपन करोगे वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन में जाना वहां पे तुम्हें एक यूट्यूब का सेक्शन दिखाई देगा वहां पे यूट्यूब वाले सेशन जो भी होते हैं उनकी क्लास स्लाइड आपको मिल जाएंगे ठीक है तो फटाफट बता दो रिपीट कर दू सुमित्रा देखो इसमें कुछ भी नहीं है इसमें तुम्हें ये देखना था कि जब प्रेशर डिक्रीज इन... हो रहा है उसके साथ हाफ लाइफ भी डिक्रीज हो रही है मतलब प्रेशर का चेंज हाफ लाइफ में शो हो रहा है कोई बात नहीं आशीष प्रेशर का चेंज हाफ लाइफ में शो हो रहा है कहीं ना कहीं हाफ लाइफ इनिशियल प्रेशर पे डिपेंड कर रही है और अगर हाफ लाइफ इनिशियल प्रेशर पे डिपेंड कर रही है तो वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कभी भी इनिशियल वैल्यू पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती उसके बाद हमने देखा कि ये जो हाफ लाइफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये हाफ लाइफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल प्रेशर के मतलब इनिशियल प्रेशर को आप इंक्रीज कर रहे हो तो हाफ लाइफ इंक्रीज हो रही है इनिशियल प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो तो हाफ लाइफ डिक्रीज हो रही है और ऐसा किसके केस में होता है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में ठीक है भाई देखो ऐसे मजा नहीं आएगा अब सेशन चार बजे की जगह दो बजे हो गया तो क्या तुम आओगे बारह बजे हो गया तो क्या तुम आओगे नहीं पता नहीं कौन सी दुनिया में हो अब तुम्हें घर जा जाके बुला के लेके आऊ देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे मिसिंग है यहाँ पे आएगा ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन

कि रिएक्टेंट आधा रिएक्ट कर गया और आधा बचा हुआ है और जिस टाइम पे रिएक्टेंट आधा रिएक्ट कर गया होगा उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम तो हाफ लाइफ टाइम इस रिएक्शन के लिए है 20 मिनट और उसने क्या पूछा है कि मुझे वो टाइम कैलकुलेट करके बताओ कौन सा टाइम जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई होगी मतलब t 75 कैलकुलेट करो t 75 कैलकुलेट करो एक बात हमेशा ध्यान रखना कई बार वो तुमसे पूछते हैं कि टी सेवेंटी कैलकुलेट करो ठीक है तो यहाँ पे जो लिखा होता है ना मान लो टी रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया कितना रिएक्टेंट रिएक्ट react कर गया तो यहां से तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि अभी मेरा कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है ठीक है यस yes, विशाल विवेक बिल्कुल सही है भैया आपका आंसर बिल्कुल सही है अब देखो टी हाफ उसने दे दिया बीस मिनट तो मुझे पता है कोई बात नहीं महिमा मुझे पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो किसके इक्वल होता है ए नोट बाई टू के तो यहाँ से रेट कॉन्स्टेंट आपके पास आ जाएगा ए नोट बाई टू इंटू टी हाफ ए नोट है आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ट्राइस ऑफ टी हाफ हाफ लाइफ टाइम कितना है ट्वेंटी मिनट ये आपके पास आ गया रेट कॉन्स्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन अब मुझे निकालना है वो टाइम जब मेरी रिएक्शन 75 परसेंट कंप्लीट हो गई होगी मतलब टोटल रिएक्टेंट ए नोट में से टोटल रिएक्टेंट ए नोट में से इसका 75 परसेंट मतलब 0.75 पॉइंट ए नोट रिएक्ट कर गया होगा 0.75 पॉइंट ए नोट रिएक्ट कर गया होगा और जो रिमेनिंग होगा कितना रिएक्टेंट बचा होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट मतलब आपकी इक्वेशन ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी बिल्कुल क्लियर है आपको ए आपका क्या होता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम टी किसी एक टाइम टी पे रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है ए नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के आपका रेट कॉन्स्टेंट और टी क्या होता है आपका टाइम वो टाइम जब यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ए है तो अब देखो यहाँ पे क्या है कितना बचा हुआ है तो मेरे पास अब कितना बचा हुआ है 0.25 ए नोट मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ए को तो यहाँ पे ए कितना आ गया तुम्हारा जीरो पॉइंट टू फाइव ए नोट दैट इज इक्वल टू ए नोट माइनस के की वैल्यू क्या है ए नोट बाई फोर्टी इन टू टी ए नोट बाई फोर्टी इंटू टी जब तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा टाइम आ जाएगा थर्टी मिनट टाइम क्या आ जाएगा तुम्हारा थर्टी मिनट तो जब रिएक्शन सेवेंटी फाइव परसेंट कंप्लीट हो गई होगी तो आपका क्या, कितना टाइम आ जाएगा थर्टी मिनट कितना टाइम आ जाएगा मिनट। बोलो भाई। जल्दी से बता दो फिर इस क्वेश्चन के एक ट्रिक बता देती मैं तुम्हें। देखो ये क्वेश्चन तो क्या था प्रॉपर मेथड से जैसे सोल्व करते प्रॉपर एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन को तुम कैसे सोल्व करोगे ये तुम्हारा वो मेथड था लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि पहले मैं रेट कॉन्स्टेंट निकालू फिर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में मैं उसको पुट करूं वहां से उसकी कैलकुलेशन करूं तो उससे बेटर है एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूं मैं तुम्हें <coughs> ऐसे क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है लेकिन ध्यान रखना ट्रिक अगर तुम यूज कर रहे हो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी इसको तुम जीरो ऑर्डर के लिए ही यूज करोगे कहीं इसको फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट करके कुछ भी लगा के आ जाओ ठीक है देखो इसका जीरो में तुम क्या यूज़ कर सकते ठीक है, Tx, जब X, जो है उसका कर गया, और एक टाइम दे रखा है जब तुम्हारा रिएक्टेंट का वाई पार्ट रिएक्ट कर गया तो अब तुम यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन कैसे निकाल सकते हो दोनों टाइम पीरियड का रेशो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किसी भी दो टाइम पीरियड का रेशियो किसके इक्वल आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा x यहाँ पे क्या आ जाएगा y मतलब दोनों टाइम पीरियड का रेशियो किसके इक्वल आएगा जब यहाँ पे ये जितना रिएक्ट कर गए जितना ये रिएक्ट कर गए हाउ टू नो दिस क्वेश्चन इज जीरो ऑर्डर वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा भाई क्वेश्चन में दिया होगा और क्वेश्चन में ना भी दे रखा हो बहुत बार जैसे मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगी तो वो वाली ट्रिक वहीं पर बताऊंगी अभी नहीं बताऊंगी ठीक है तो ये तुम्हें ध्यान रखना है किसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट और सेकंड थर्ड ऑर्डर में ये लगा के आंसर सोल्व करके मत आ जाना ठीक है अब देखो यहाँ पे उसने तुम्हें क्या दे रखा था टी 50, जब रिएक्टेड रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी ठीक है और एक तुम्हें दे रखा है टी सेवनटी फाइव तो देखो दोनों का रेशियो निकाल लो दो टाइम पीरियड है दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा फिफ्टी बाई सेवेंटी फाइव मतलब two by three. Two by three. इसका मतलब इसका क्या हुआ? हुआ किसके इक्वल हुआ? Two by three. अब तुम्हें T50 की की वैल्यू वैल्यू पता पता है, पता है, 75 जब रिएक्ट कर जाएगा वो तुम्हें निकालना है तो कैसे निकालोगे T75 किसके इक्वल आ किसके देखो थ्री इंटू हाफ लाइफ टाइम डिवाइड बाई टू थ्री इंटू हाफ लाइफ टाइम डिवाइड बाई टू हाफ लाइफ टाइम कितना दे रखा है ट्वेंटी तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा थर्टी मिनट यहाँ से क्या आ जाएगा थर्टी मिनट तो कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की कोई महाभारत बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिखे एक टाइम पीरियड तुम्हें दे रखा हो दूसरा टाइम पीरियड निकालना हो तो सिंपल इस फॉर्मूले को यूज करो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करो कोई नई चीज नहीं देखनी है ठीक है फिर चाहे उसने हाफ लाइफ टाइम दे रखा हो 75 का दे रखा हो 80 का दे रखा हो 85 का दे रखा हो कुछ भी दे रखा हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में दो टाइम पीरियड के बीच में ये रिलेशन होता है और यहाँ से डायरेक्ट आप अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो अब देखो अगर तुम ये फॉर्मूला यूज करते ये क्वेश्चन एक मिनट या सेकेंड का था तीस सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर देते और यहाँ पे टाइम बचा के किसी दूसरे क्वेश्चन में आप टाइम यूज करते अपना तो फटाफट बोलो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बोलो ये तुम मेंटोस जिंदगी कहाँ से क्या ही सीख के आ रहे हो फटाफट बोलो भाई बिल्कुल दो सेकंड में खत्म ओके okay. चलो भाई अगला क्वेश्चन है देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है उसने <coughs>

क्या बोला है उन्होंने कि ग्राफ प्लॉट किया किस किस के बीच में ऑफ और टाइम के बीच में ठीक है ग्राफ कैसा एक स्ट्रेट लाइन आया विद नेगेटिव स्लोप ग्राफ तुम्हारे पास कुछ ऐसा आया ये तो हो गई तुम्हारी नेगेटिव स्लोप और ये तुम्हारा हो गया पॉजिटिव इंटरसेप्ट और उसने सिंपल पूछ लिया फाइंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन ठीक है नई शिवानी बिल्कुल नई काइनेटिक्स है भाई अब देखो यहां से तुम्हें कैसे पता चलेगा यहां से तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हें रिएक्शन की क्या निकालनी है हाफ लाइफ पीरियड अब तुम कैसे निकालोगे भाई मुझे तो एब्जॉर्बेंस का रिलेशन कुछ पता ही नहीं है अरे फोटोकेमिस्ट्री नहीं करवा रही देखो हमें पता है एब्जोर्बेंस क्या होती है एबसाइलोन कॉन्सेंट्रेशन इनटू लेंथ ठीक है मतलब एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली रिलेटेड है कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड है कंसेंट्रेशन के साथ जैसे जैसे कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी एब्जॉर्बेंस भी डिक्रीज होगी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो एब्जोर्बेंस भी इंक्रीज होगी ठीक है इसका मतलब क्या हुआ तुम इस एब्जॉर्बेंस को किससे रिप्लेस कर सकते हो कंसंट्रेशन से किससे रिप्लेस कर सकते हो कंसंट्रेशन से क्योंकि जो इफेक्ट कंसंट्रेशन का होगा वही आपको एब्जोर्बेंस पे दिखाई देगा वही आपको एब्जोर्बेंस पे दिखाई देगा मतलब अब मेरे पास ग्राफ किसके बीच में बन गया अब मेरे पास ग्राफ को तुम क्या भी लिख सकते हो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम के बीच आपके पास ग्राफ है नेगेटिव स्लोप है स्लोप की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 0.30 10 की पावर -2 और अब तुमसे पूछा है हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा तो ध्यान से देखो ये ग्राफ कौन सी ऑर्डर रिएक्शन के है ये ग्राफ किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए है ये ग्राफ है आपका एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये ग्राफ किसके लिए है तुम्हारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ध्यान से देखो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या लिखते हैं T is equal to 2.303 by K log of C note by C. C note आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है और C आपकी इस टाइम T पे कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है तो उसने ग्राफ प्लॉट किया है तो हम यहां से देखो इसको तुम जब रिएरेंज करोगे तो क्या लिख सकते हो? Log of C is equal to logs C note minus 2.303 by K T.

इसके इक्वल होगी टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई के ठीक है पक्का यही होगी ना ये इसका रिवर्स आएगा नहीं रिवर्स आएगा भाई रिवर्स आएगा माइनस के बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री ये आएगा

और क्वेश्चन में उसने कितनी दी है 0.30 into 10 की पावर माइनस 2 तो यहाँ से रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया 2.303 into 0.30 into 10 की पावर माइनस 2 अब सिंपल तुम्हें क्या निकालना है हाफ लाइफ पीरियड तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ किसके इक्वल होता है 0.693 बाई okay. 0.693 बाई के अब रेट कांस्टेंट तुमने निकाल दिया है सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर दो और तुम्हारा क्या आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा सिंपल बस तुम्हें यहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज करना था सिंपल इतना सा देखना था कि जो एब्जॉर्बेंस है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है ठीक है एब्जॉर्बेंस कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा एब्जॉर्बेंस भी वैसे ही चेंज होगी ठीक है तो सिंपल आप एब्जॉर्बेंस को कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हो और जब रिप्लेस करके आप इसको देखोगे ये आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ दिखेगा और वहां से आप इजीली क्या निकाल सकते हो आ, यहां से सॉरी रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करके हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हो बोलो भाई फटाफट फर्ट बोलो इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो रिएक्शन पे आपको चाहिए विशाल स्टार्ट होगी अभी होगी भाई एक बजो टॉपिक चल रहे हैं उनको तो फिनिश कर लो वो भी कराऊंगी स्टार्टअप में अगर जिसको कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई अरे शिवानी नेगेटिव ऐसे नहीं आएगा वो नेगेटिव स्लोप है माइनस के बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री है तो वो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव स्लोप को इसीलिए आपका ग्राफ ऐसे आया है ठीक है ओके क्लियर है तो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो नहीं शिवानी नहीं आएगा बोलो चलो मैं ही बता देती हूँ भैया नहीं है मेरी ज्यादा लंबी क्लास नहीं हो पाएगी इसमें भी उसने क्या बोला है फर्स्ट पहले ही बता दिया एक फर्स्ट में लोग कंसंट्रेशन वाजे नेगेटिव स्लोप। मतलब इसने तो खुद ही बोल दिया कि लोग ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक आपके पास ऐसा ग्राफ है स्लोप है आपके पास जीरो पॉइंट फाइव जीरो आपसे रेट कॉन्स्टेंट पूछा है और हाफ लाइफ पूछी है, ठीक है रेट कॉन्स्टेंट पूछा है और हाफ लाइफ पूछी है, तो देखो यहीं से आपका आपने अभी अभी देखा था स्लोप किसके इक्वल आएगी के बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री तो यहां से रेट कॉन्स्टेंट आ जाएगा और स्लो हाफ लाइफ किसके इक्वल आएगी जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई के जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई के ठीक है हाफ बिल्कुल पिछले जैसा ही था अभी अगला क्वेश्चन है देखो अगले क्वेश्चन में क्या है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड ए इन द रिएक्शन 2a गिव्स p इज k इज इक्वल टू दिस व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ ए सबसे पहले तो मुझे हाफ लाइफ ही बता दो आगे का क्वेश्चन तो छोड़ो तुम मुझे बता दो एक रिएक्शन जा रही है 2a गिव्स p ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कैलकुलेट भी मत करो मुझे बस इसका फॉर्मूला बता दो कि हाफ लाइफ क्या होगी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगी अभी अभी मैंने आपको बताया है तो जल्दी से बता दो भाई जल्दी जल्दी बोलो <laughs> अच्छा मोना तो तुम क्वेश्चन देखो मुझे क्यों देख रहे हो प्वाइंट सिक्स नाइन थ्री बाई के ओके ठीक है रितिका और कोई बोलो भाई अच्छा शिवानी हाफ लाइफ जीरो हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कभी जीरो देखी है तुमने हाफ लाइफ जीरो का मतलब पता है क्या होगा ओके okay, विशाल इंडिपेंडेंट ऑफ of... ये बात तो मुझे पता है आशीष की वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगी सुबह आते यही बोला था लेकिन फॉर्मूला क्या होगा मुझे तो फॉर्मूला पूछना है ओके okay, विशाल रीमा श्रेया

ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तुम कहोगे यहाँ पे भी हाफ लाइफ के के होगी होगी तो रिएक्शन तो दोनों अलग अलग है दोनों के लिए हाफ लाइफ सेम कैसे हो सकती है पेपर में ये गलती करके मत आ जाना ठीक है तुम लोग यही सोचते हो पेपर वाला सिंपल तुम्हें ये क्वेश्चन देगा तुम सोचोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू दे दी हाफ लाइफ ही तो पूछी है पेपर वाला तो पागल है कैसा इतना इजी सा क्वेश्चन दे दिया ना और वो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाता है और नेगेटिव में मार्क्स जाते हैं हमेशा स्टोश्योमेट्री का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा का ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी चाहे तुम्हारी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो फर्स्ट की हो सेकंड की हो थर्ड की हो सबके लिए एक जनरल फॉर्मूला याद रख लो मान लो तुमने जब स्टोशोमेट्री वन है तो वो फॉर्मूला याद रख लिया ठीक है तो अब जब स्टोशोमेट्री चेंज हो रही है तो क्या करोगे कुछ भी नहीं करना है सिर्फ तुम्हें जो स्टोशियोमेट्रिक है उसको रेट कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो उसको रेट कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे अब मेरी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी के. हाँ, कोई बात नहीं शिवानी पता चल गया मुझे रिलैक्सेशन मेथड करवा देना से पहले ये तो कर लो रिलैक्सेशन मेथड पे भी आएंगे वहां पे भी आएंगे ठीक है तो हमारी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई

तो हमेशा तुम क्या ध्यान रखोगे अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है एन ए गिवस दी प्रोडक्ट पी तो टी हाफ तुम्हारा क्या हो जाएगा जीरो पॉइंटोमैट्रिक कॉफिशियंट को नहीं भूलना है स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट को भूल गए मतलब पूरी रिएक्शन ही तुमने गलत चला दी ठीक है स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट को नहीं भूलना है तो यहां से तो तुम्हारा क्या आ जाएगा ये हाफ लाइफ अरे मोना डिवाइड मैंने क्या बोला नहीं मल्टीप्लाई करो हाफ लाइफ में तो चाहे वो डिवाइड हो रहा हो मल्टीप्लाई हो रहा हो एडिशन हो रहा हो सब्रैक्शन हो रहा हो कुछ हो उसका तुम्हें क्या करना है जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट होगा उसको रेट कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देनी है बस ठीक है उसको सिर्फ रेट कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना इसका पूरा डेरिवेशन देखोगे तो तुम्हारे पास यही आएगा ठीक है उसके बाद यहां से तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड उसने क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी दी प्रेशर प्रेशर क्या होगा? इनिशियली 32.1 किलो पास्कल मतलब इनिशियल प्रेशर उसने कितना दे दिया आपको? इनिशियल प्रेशर दे दिया 32.1 किलो पास्कल तो प्रेशर क्या होगा? कब? एट टाइम वह 10 सेकंड जब टाइम तुम्हारा क्या होगा? 10 सेकंड तो प्रेशर क्या होगा? अब तुम फिर से क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? तुम यूज करोगे मुझे तो पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा पी इज इक्वल टू पी नोट ई की पावर माइनस के टी ये फॉर्मूला अरे जब वो स्टोशियोमेट्री तुम्हें मेंशन करके दे रहा है वो सर ने दूसरे फॉर्मूले के लिए बोला होगा जब तुम दोनों का रेशियो लोगे ना जब तुम दो टाइम पीरियड का रेशियो लोगे तो वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा फिर वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है अब देखो यहाँ पे भी तुम क्या करोगे P इज इक्वल टू पी नोट ई की पावर माइनस यहाँ पे करना पड़ेगा टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम यहां से कैलकुलेट करोगे और टाइम है तुम्हारा दस सेकेंड टाइम है तुम्हारा दस सेकेंड ठीक है अब बोलो भाई इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो फटाफट बोलो भाई कोई भी डाउट है तो ये क्वेश्चन तुम्हें कल कराऊंगी ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है सॉरी भाई आज मेरी तबियत ठीक नहीं है तो क्लास नहीं हो पाएगी आगे <laughs> कल तुम्हारी क्लास है ठीक है कल कराऊंगी ये क्वेश्चन रिमेनिंग बी पार्ट में महिमा कुछ नहीं है ए पार्ट में टेन सेकेंड पे पूछा हुआ है बी पार्ट में टेन आर पे पूछा हुआ है देखो बी पार्ट में सॉरी टेन मिनट में पूछा हुआ है तो इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना बस क्या करना है टाइम को कन्वर्ट करना है टाइम को कन्वर्ट करना है यहाँ पे जो तुम तुमने यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट जो दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है मतलब फॉर्मूला तुम यूज करोगे सेकंड में और टाइम पीरियड किस में दे रखा है मिनट में तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा इस टाइम को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेना इस टाइम को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेना ठीक है बस तुम्हें यूनिट का ध्यान रखना अगर रेट कांस्टेंट तुम सेकंड इनवर्स में ले रहे हो तो टाइम भी सेकंड में लो रेट कांस्टेंट मिनट इनवर्स में ले रहे हो तो टाइम भी मिनट में ही लो ठीक है धीरज इसको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है भाई अब तो आपको ये आपका होमवर्क है करोगे नहीं तुम मुझे भी पता है लेकिन कुछ लोग हैं जो करते हैं सीरियसली ठीक है तो तुम लोगों को ये अपना घर पे प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन कुछ नहीं ये सिंपल है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एज 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब वाज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट एट पीएच 4 द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन वाज फाउंड टू बी 60 मिनट कैलकुलेट दी ऑब्जर्व एंड ट्रू रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रियक्शन हाँ शिवानी ठीक है ओके चलो है, भाई ठीक है बाय बाये क्वेश्चन प्लीज कर लेना ये क्वेश्चन प्लीज कर लेना राहुल अभी तबियत खराब है मेरी मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन करती हूँ ठीक है ओके बाय बाय सारे के सारे क्वेश्चंस को करके देख लेना किसी में कोई डाउट आए तो कल की क्लास में डिस्कस करते हैं ओके okay. सारे के सारे सेशन को लाइक like करना मत भूलना और जितने भी नए लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ओके